क्या आप जानते हैं कि अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को लंबे समय तक एक्टिवेट रखने का सबसे बड़ा उपाय है शरीर को चैतन्य रखना। अवचेतन मन की शक्ति को हम लंबे समय तक जागृत रख सकते हैं। जरूरत है तो बस हमारे बिहेव और आचरण पर ध्यान देने की। हम अक्सर लंबे चौड़े प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, काफी कुछ बदलाव की सोचते रहते हैं, लेकिन करते कितना है कुछ समय बाद तो भूल ही जाते हैं। अब आप किसी दोस्त से किए वादे को निभा नहीं पाते हैं तो उसे कैसा लगता है? क्या उसे आप पर बाद में उतना ट्रस्ट रहता है? नहीं तो फिर जान ले कि आपका अवचेतन मन एक दोस्त की तरह बिहेव करता है। कभी भी ये मत सोचे कि आपका अवचेतन मन आपकी किसी बात को, किसी तथ्य को जानता नहीं है, क्योंकि आपके जीवन की हर घटना आपके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं स्टोर होती रहती है, फिर चाहे वो आपके नींद के वक्त देखे गए सपने ही क्यों ना हो। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, भावना शक्ति, आत्मविश्वास, अवचेतन मन इन सोर्स से ही जागृत रहता है। जितने पावरफुल ये सोर्स होंगे उतना ही अवचेतन मन जागृत है। इन सबके कार्य का अवचेतन मन के जागृत रहने में क्या योगदान है और ये कैसे, आइए जानें एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आसानी से सिंपल बनाए। एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड फॉर लॉन्ग टाइम कार्य को करने इच्छा पर इच्छा शक्ति कार्य करती है। इच्छा शक्ति हमें उस कार्य के लिए इंस्पायर करती है। यही संकल्प शक्ति हमें उस कार्य के प्रति जागृत रहने का काम करवाती है। किसी भी कार्य को करते वक्त यही फैक्टर काम करते हैं। वर्क करने की वजह इच्छा शक्ति, कार्य को पूरा करने का मन बनना संकल्प शक्ति, वर्क के दौरान उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रेरित होना भावना शक्ति, वर्क में विश्वास जो हम कर रहे हैं सही और सही दिशा में कर रहे हैं आत्मविश्वास। ईच वर्क हैज रीजन, बगैर किसी रीजन के हम कार्य नहीं करते है। कार्य करने का एक एम होता है, उस कार्य का उद्देश्य, और पूरा होना मतलब अवचेतन मन का उसे सही मान लेता है। यही पर क्या होगा अगर आप कार्य करने का सोचे और काम को बीच में छोड़ दें? अवचेतन मन हर चीज, हर कार्य को नोटिस करता है, इसके बाद कुछ कार्य को और ऐसे ही अधूरे छोड़ दे। आपका अवचेतन मन मजाक या सही गलत का चुनाव नहीं करता है। ये कार्य आपके कॉन्शियस माइंड का है, मगर उसकी शक्ति लिमिटेड है। अवचेतन इसके विपरीत है। आप जो कार्य चेतन मन को देते हैं वो अवचेतन मन में रिकॉर्ड होता रहता है। इसलिए जिन्हें अपना अवचेतन मन जागृत रखना है वो भूल कर भी ऐसे कार्य न करे जिनसे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होने लगे। आपका संकल्प आपके और अवचेतन मन में जगाता है विश्वास। कार्य करने का सोचते हैं, उसके बाद मन बनाते हैं उसे पूरा करने का, यानी दृढ़ विश्वास कि हमें ये कार्य पूरा करना है। दिन भर हजारों थॉट्स मन में चलते हैं, लेकिन कार्य में कुछ ही लेते हैं, यही है संकल्प। संकल्प आपको बताता है, यानी आपके कार्य को मन में रिकॉर्ड करता है। संकल्प उन्हीं काम का ले जिन्हें आप कर सके, वरना लिमिट से बाहर काम करना यानी खुद का नुकसान। मान ले कोई काम का संकल्प ले लेते हैं और कर नहीं पाते, तब आपका अवचेतन मन संकल्प की शक्ति को इग्नोर देता है और कार्य करने का उत्साह नहीं रहता है। लगातार एक ही भावना मजबूत करती है अवचेतन मन को काम करने का। संकल्प ले लिया, काम कर रहे हैं, बीच में बोरिंग लगने लग गई तो कार्य को बीच में छोड़ नहीं सकते, वरना अवचेतन मन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे में भावना शक्ति कार्य करने लगती है। ये आपको इंस्पायर करती है उस कार्य के प्रति। उस कार्य के पूरा करने का रीजन आपको कौन बताता है? ये बार बार प्रेरणा का कार्य करने का काम भावना शक्ति का है। भावना शक्ति आपको उस कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसी से आप कार्य को करते रहने के लिए प्रेरित होते हैं। आत्मविश्वास और अवचेतन मन का रिश्ता क्या होता है? जब आप कार्य को फिक्स्ड टाइम पर पूरा कर लेते हैं, अगली बार कार्य करने के वक्त आपके अंदर जो उत्साह होगा कि मैं ये काम 100% कर सकता हूं, यह आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो कार्य में सफल होने के साथ बढ़ता है और असफल होने के बाद लेस होने लगता है। आत्मविश्वास लगातार बना रहे इसके लिए कोई भी ऐसा काम न करे जिससे बाद में आपको शर्मिंदगी महसूस हो, खुद पर शंका होने लगे, कार्य पर सवाल उठने लगे, क्योंकि ऐसे में आपका अवचेतन मन उसे नोटिस कर लेता है और वो अगले उसे रखकर आपकी सफलता या असफलता को निर्धारित कर देता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपकी हर बात पर प्रतिक्रिया करता है, बेशक अगर आप सोते हैं तब भी। जरूरत है उसके इशारों और प्रतिक्रिया को समझने की। तो दोस्तों,
आत्मविश्वास को कार्य के दौरान महसूस कर सकते हैं। किसी कार्य को करते वक्त कितना उत्साह होता है, रुचि कितनी होती है, कितने समय में आप उसे पूरा करते हैं, ये सब अवचेतन मन याद रखता है। जो कार्य को शुरू से थोड़ा थोड़ा कर पूरा कर लेते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता रहता है और वो बड़े कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। अवचेतन मन को लंबे टाइम तक जागृत करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना। क्यों? कि अगर आप एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड फॉर लॉन्ग टाइम में सक्सेस हो जाते हैं, आसानी से आप किसी भी कार्य में अपना पूरा एफर्ट दे सकते हैं। यही नहीं, आप लंबे टाइम तक एक ही काम में फोकस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप उत्साह के साथ काम को पूरा कर पाते हैं। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में किसी तरह की झिझांसा है या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।